नमस्कार मित्रों, आज से ठीक 3 दिन पश्चात अर्थात 11 मार्च 2021 को नवग्रहों में राजकुमार का पद प्राप्त किए बुध देव अपने अति मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और जैसे ही 11 मार्च 2021 को मध्याह्न 12:30 पर मकर राशि को छोड़कर बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है जो कि पूरे 51 वर्ष बाद बन रहा है। शिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में बुध देव का राज तिलक होने जा रहा है और इस राज तिलक का फल 12 में से 6 राशि वाले जातकों को भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। और यहां से 11 मार्च 2021 से 1 अप्रैल तक बुध देव इन 6 राशि वाले जातकों पर जमकर बरसाएंगे अपना आशीर्वाद। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, बुध देव जब किसी को देते हैं, इनके पास में 100 रुपए होते हैं तो ये 100 के 100 आपको देकर जाते हैं। जब किसी से लेते हैं तो यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 के 100 अपने हाथ में लेकर चले जाते हैं। बड़ी ही शीघ्रता से पूर्ण फल देने वाले ग्रह माने गए हैं क्योंकि ये कुमार हैं, युवा हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, ऊर्जा धन और ऐश्वर्य के कारक हैं। ऐसे में बुध देव का ये राशि परिवर्तन 6 राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। 6 राशि वाले जातकों को राज तिलक जैसी अनुभूति प्रदान करेगा। इसकी अनुभूति ये 6 राशि वाले जो मैं आपको कार्यक्रम में बताने जा रहा हूं अवश्य करते हुए पाए जाएंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि से ही सुनना है, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम से भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। सर्वप्रथम राशि, जिस राशि के लिए बुध देव खोलने जा रहे हैं कुबेर का खजाना, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के अंदर बुध देव संचरण करने जा रहे हैं, जहां 1 अप्रैल 2021 तक बुध देव संचरण करते रहेंगे। कर्म भाव जो कि वृष राशि वाले जातकों के लिए कर्म का भाव दशम भाव माना जाता है, और ये एक व्यापारी अगर कोई व्यक्ति है जो वृष राशि का जातक है तो व्यापार में इतने सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियों की अनुभूति आप करते हुए पाए जाएंगे कि 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के मध्य में आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होती हुई पाई जाएगी अपने व्यापार क्षेत्र में। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में श्रेष्ठ वृद्धि देंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग प्रदान करेंगे। अगर आप कोई प्रमोशन रुका हुआ है, काफी समय से नहीं हो पा रहा था तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है, आप अपना स्थानांतरण ट्रांसफर चाह रहे हैं तो यह स्थिति आपके पक्ष में आएगी। और वृष राशि के वह लोग जिनके पास वर्तमान समय में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बुध देव के आशीर्वाद से 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के मध्य निश्चित रूप से आपके जॉब लगने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। यहां से दृष्टि देंगे आपके चतुर्थ भाव पर। बहुत अद्भुत योग में आपके जीवन में जिस भी भौतिक सुख की कमी होगी, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद, जो भी स्थिति आप काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे नहीं पूर्ण हो पा रही थी, वो स्थिति भी आपकी पूर्ण होकर रहेगी। बेहद खास रहेगा बुध देव का ये राशि परिवर्तन वृष राशि वाले जातकों के लिए। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए बुध देव का ये राशि परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है, वह राशि होगी मित्रों बुध देव की स्वयं की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के नवम भाव के अंदर बुध देव संचरण करने जा रहे हैं और अब आपको अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता निकाल कर ना लाए तो मुझे कहिएगा, बशर्ते कंडीशन एक ही है, बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि देखने को मिलेगी, विदेश से संबंधित जो कार्य आपके रुके हुए हैं वो पूर्ण होने जा रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि के साथ ही आपके द्वारा पिछले समय में जितने भी कार्य किए गए उनके अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट की कमी देखने को मिली वो परिपूर्णता से आपके सामने बनकर आएगी। जितनी आप मेहनत पिछले समय में कर रहे थे उसके परिणाम अब आपके सामने निकल कर आएंगे। आगामी समय में जो मेहनत करेंगे उसके 100% परिणाम आपके सामने निकल कर आएंगे। व्यापारिक यात्राएं जो आपके द्वारा की जाएगी इसके स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगी।
छोटे भाई बहनों का सहयोग स्नेह आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे और सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां भी पूर्ण रूप से कर रही है आपका इंतजार। आकस्मिक लाभ की स्थितियां बहुत प्रबल रहेगी। भौतिक सुख और कर्म क्षेत्र में मिलने वाली है आपको श्रेष्ठ सफलता। तीसरी राशि जिस राशि के लिए बुध देव का यह राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के अंदर बुध देव संचरण करने जा रहे हैं। पिछले समय में बुध देव आपके षष्टम भाव में बने हुए थे। रोग की स्थिति भी आपने देखी, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां भी देखी, मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन भी देखा, इसी के साथ में जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी, कर्ज इत्यादि की व्यवस्था का योग भी देखा। किंतु अब 11 मार्च से आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंधों की स्थितियां देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में आपके निरंतर वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे थे या करने की सोच रहे थे तो ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगा। आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप में निखर कर आपके कर्म क्षेत्र आपके समाज और आपके परिवार के अंदर निकल कर आएगा जो कि पूर्ण रूप से आपको प्रशंसा प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। जी हाँ, निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्ष में रहने वाला है। इसी के साथ में आकस्मिक लाभ तो आपको होंगे ही होंगे, आपकी कोई भी विशेष मनोकामना भी पूर्ण होते हुए आप अवश्य देख पाएंगे। पिछले समय में कोई भी विशेष मनोकामना आपकी रुकी हुई थी जो लाख प्रयास करने पर भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब आप देखिएगा किस प्रकार आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। आय के स्त्रोतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपके रुके हुए थे वो भी बुध देव की कृपा से होने जा रहे हैं पूर्ण। यहां आप एक बात और नोटिस कीजिएगा, आपकी वाणी के अंदर मधुरता के योग देखने को मिलेंगे। आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर ही बिगड़े से बिगड़े कार्य 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के मध्य में बनाते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत बेहद खास है आपके लिए समय, बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज से 3 दिन पश्चात बुध देव देने जा रहे हैं अपना पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद। अगली राशि जिस राशि के लिए बुध देव का यह राशि परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव के अंदर बुध देव संचरण करने जा रहे हैं, ये बेहद खास होने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। आकस्मिक लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, किसी भी प्रकार का वो लाभ आपको मिलने वाला है जो आपने स्वयं ने भी ना सोचा हो। आकस्मिक लाभ की स्थितियां, आप सामान्य तरीके से चल रहे हैं, किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में बनकर आ गया है, इसी प्रकार के योगों को कहते हैं आकस्मिक लाभ। और वो योग आपके लिए बहुत प्रबल मात्रा में बुध देव बनाते हुए पाए जा रहे हैं, आपको ये योग अवश्य इस बार में मिल सकते हैं। संतान के भविष्य से जुड़ी कोई चिंताएं बनी हुई है उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। संतान इस समय में आपको गौरवान्वित कर सकती है। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित, दांतों से, बालों से संबंधित यदि किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलने जा रही है। मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी। बुद्धिमता के दम पर आप जीवन में आगे बढ़ने की दक्षता बुद्ध देव की कृपा से प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। मनोकामना 100% आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आय के स्त्रोतों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने बड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा है उससे आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ में आप देखेंगे भाग्य का आपको परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। फिजूल की खर्चियां यदि आपको देखने को मिल रही थी, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, उनसे भी आपको मिलने जा रही है निजात। अगली राशि जिस राशि के लिए बुध देव खुलने जा रहे हैं सुख समृद्धि की सौगात वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव जो कि वाणी भाव होता है और बुध देव वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं, आपकी वाणी में आप देखेंगे बड़ी मधुरता देखने को मिलेगी। वाणी की दक्षता के दम पर ही आप अपने बिगड़े से बिगड़े उलझे से उलझे कार्य सुलझा लेंगे। वाणी की दक्षता के दम पर ही कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपके रुके हुए थे वो पूर्ण होने जा रहे हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे आपको यशमान प्रतिष्ठा अपने कर्म और समाज में तो मिलने वाली ही है, साथ ही जीवन में चल रहे जितनी भी समस्याकृत अवस्थाएं, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई है वो भी बुध देव की कृपा से होने जा रही है समाप्त। आप देखेंगे बहुत अच्छा भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपकी स्थिति
रोग ऋण रिपो कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल कॉम्पिटिशन, इनमें किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं उनसे भी बुद्धदेव आपको छुटकारा दिलाएंगे। धन की परिपूर्णता आपके मन में बनाकर रखेंगे। भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपका बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेजेंट कर पाएंगे अपने किसी भी कार्य में। अब आपको 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के मध्य में निश्चित रूप से बुद्ध देव की कृपा से मिलने वाली है सफलता। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए बुद्ध देव सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति प्रदान करेंगे वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि के लग्न के अंदर ही बुद्ध देव संचरण करने जा रहे हैं। अभी तक बुद्ध देव द्वादश भाव में बैठकर फिजूल की खर्चियां करा रहे थे, तो वही बुद्ध देव अब कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न में आकर व्यक्तित्व को इतना निखार कर प्रेजेंट करेंगे कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाएगा ये पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप के अंदर निखर कर लोगों के सामने आएगा। इसी के साथ में आप देखेंगे किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का यदि आप सामना कर रहे थे उससे मुक्ति मिलने जा रही है। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य योग में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव यदि आपको देखने को मिल रहा था वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें आपको परिपूर्णता के योग देखने को मिलेंगे। आकस्मिक लाभ जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण रूप से पक्षकारी रहेगा। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके मन में चिंता बनी हुई है उससे समाप्ति का योग प्राप्त होने जा रहा है। और इसी के साथ में आप देखेंगे आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धि, आपकी चातुर्यता आपके धन में वृद्धि करती हुई पाई जाएगी, आपके कर्म में वृद्धि करती हुई पाई जाएगी, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करती हुई पाई जाएगी। तो मित्रों ये है वह 6 राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए 11 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक बुद्ध देव खोलने जा रहे हैं सुख समृद्धि के साथ कुबेर का खजाना। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।